उमरिया जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक उमरिया जिला के नाम से जाना जाता है। उमरिया मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग की ओर बसा है। इस जिले का हेडक्वार्टर उमरिया शहर में मौजूद है और उमरिया जिला शहडोल डिवीजन के अंतर्गत आता है। उमरिया जिला पहले शहडोल जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय पे उमरिया को शहडोल से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। साल 1998 में शहडोल के पश्चिमी हिस्से को लेकर उमरिया जिला का गठन किया गया था। वैसे इस जिले का गठन साल 1998 में शहडोल जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। साल 1998 से पहले शहडोल और उमरिया दोनों एक ही जिला हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की उमरिया जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप उमरिया जिला के वासी वीडियो को लाइक और ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश का उमरिया सोन नदी के हिस्से में बसा भारत की राजधानी दिल्ली शहर के दक्षिण पूर्व भाग की ओर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के उत्तर पूर्वी भाग की ओर बसा मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत जिले के रूप में जाना जाने वाला जिला है। उमरिया अपने सुंदर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए, हरे भरे जंगलों के लिए, पहाड़ों के लिए, कोयला की खदानों के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। उमरिया हमेशा से कई राजकुमारों का और कई राजाओं का एक पसंदीदा शहर हुआ करता था, क्योंकि यह इलाका घने जंगल के लिए और बाघ के लिए राजा महाराजा का एक गेम रिजर्व हुआ करता था। एक जमाने पे उमरिया जिला पर लोधी राजपूतों का शासन हुआ करता था। इसके कुछ वर्षों के बाद रीवा के महाराजा ने उमरिया को लोधियों से जीत लिया था। उमरिया पहले दक्षिणी रीवा जिले का मुख्यालय हुआ करता था। आपको बताते उमरिया पे पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है, जो कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा 8 खदानें चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का उमरिया 6 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है। इस वजह से उमरिया जिला के उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का सतना जिला, उत्तर से पूर्व भाग की ओर मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, पूर्व से दक्षिण भाग की ओर मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, दक्षिण भाग की ओर मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला और पश्चिम से उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का कटनी जिला से घिरा हुआ है। यहाँ के मुख्य नदी का नाम सोन नदी और जोहिला नदी है। सोन नदी और जोहिला नदी के हिस्से में बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 422 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उमरिया जिला पे 7 तहसील, 3 ब्लॉक, 1 लोकसभा जो शहडोल लोकसभा के अंतर्गत आता है, 2 विधानसभा, 7 पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस चौकी, 66 डाकघर, 1 जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक अस्पताल, 9 प्राथमिक अस्पताल, 108 हेल्थ सब सेंटर, 1 जिला कोर्ट, 2 नगर पालिका परिषद, 2 नगर पंचायत, 234 ग्राम पंचायतें, 7 शहर और 683 गाँव में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। उमरिया जिला पे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,45,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी और बघेली है। आबादी की बात करें तो उमरिया जिला जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 9वां सबसे छोटा जिला है। उमरिया का अभी मौजूदा समय पे यानी कि 2021 की कुल आबादी 7,49,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार उमरिया जिला की कुल आबादी 6,45,000 के करीब है, जिसमें की ग्रामीण की आबादी 5
लाख 30,000 है। यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 83% और शहरों की आबादी 1,10,000 है। लगभग यहाँ की आबादी के अनुसार 17% है। 6,45,000 की आबादी पे पुरुष की आबादी 3,31,000 है और महिला की आबादी 3,14,000 है। यहाँ का औसत लिंग अनुपात 950 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 950 महिला है। इस जिले पे हिंदू धर्म की आबादी 6,19,000 है, लगभग 96% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 20,000 है, लगभग 3% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले पे कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से उमरिया जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जिले की साक्षरता दर 66% के करीब है। उमरिया जिला के 6,45,000 की आबादी पे 4,25,000 लोग पढ़े लिखे हैं, इसमें की पुरुष 2,52,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 76% के करीब, और महिला 1,73,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 55% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो उमरिया जिला की आबादी के अनुसार इस जिले पे 2,90,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 2,90,000 वर्कर पे सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले पे काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 45% के करीब है। वैसे उमरिया की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सोन नदी और चोहिला नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका 31% का इलाका काफी उपजाऊ है। उमरिया जिला पे इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा भी किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति सालाना इनकम 63,790 के करीब है। उमरिया जिला के 4,548 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे 1,384 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3,42,000 एकड़ पे खेती का कुल पैदावार किया जाता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मटर, उड़द, चना और सरसों यहाँ की मुख्य फसल है। सब्जियों में सहजन, मिर्च, टमाटर और आलू का पैदावार भी किया जाता है। उमरिया जिला पे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। इसके अलावा इन जगहों पर कई सारे शोरूम, कई सारे मॉल और कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और उमरिया जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले पे कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। उमरिया जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार माँ पिरासनी देवी मंदिर, सागर मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, बांधवगढ़ किला, बघेल म्यूजियम, पानपत वन जीव अभ्यारण्य, कबीर पंथ की गंगोत्री और उमरिया जिला के बांधवगढ़ नेशनल पार्क जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। उमरिया सड़क और रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 78 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। उमरिया जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम उमरिया रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के